अगे रुक करदे आ कांग्रेस दीआं चोण प्रचार वैनां दा। विधानसभा चोणां दा समां नज़दीक आउंदिआं देख हुण सियासतदान एक दूजे दी देखा देखी प्रचार दे साधन वधा रहे ने। कांग्रेस पार्टी दी भी पंजाब कांग्रेस एक्सप्रैस प्रचार वैन हुण रवाना हो चुकी है। करीब 13 लोग सभा हल्कियां दे लई इह बसां रवाना कीतीआं गईआं जो लोकां नूं कांग्रेस दीआं नीतीआं बारे दसणगीआं। विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र अकाली दल आम आदमी पार्टी दीआं चोण प्रचार वैनां जिथे सड़कां ते दौड़ रहीआं ने उथे कांग्रेस पिछे किवें रहि सकदी सी। कांग्रेस दीआं चंडीगढ़ तों 13 लोक सभा हल्कियां लई 13 मिनी बसां नूं रवाना कीता गया। इन्हां प्रचार वैनां नाल कांग्रेस दी लीडरशिप भी होवेगी जो लोकां तक पार्टी दीआं नीतियां दा सुनेहा देवेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज इन्हां चोण प्रचार वैनां नूं हरी झंडी दिखाई। कैप्टन नाल होर भी कांग्रेस लीडरशिप मौजूद रही। हमने इसलिए चलाई है कि और इंटेंसिव हमारी कैंपेन हो और हर पार्लियामेंट सीट में हमने एक प्रोग्राम बनाया है। 1404 प्रोग्राम है पूरे पंजाब में और वो जाएंगे हर गांव में, हर कस्बे में और अपनी बातें वहां करेंगे। हमारी पार्टी प्रोग्राम वहां से रखेंगे। 13 बसा ने और 13 साढ़े पार्लियामेंट्री हल्के ने, हर पार्लियामेंट्री हल्के के 1404 साढ़े मीटिंगा होनगियां। हर हल्के दे विच असी रोज़ 10 तो लेके 12 तक मीटिंग्स होनगियां, सारा पंजाब कवर हो जाएगा। अब जैसे हम इलेक्शनों के करीब पहुंच रहे हैं, अकाली भाजपा सरकार को इस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया है कि वो वापस नहीं आ रहे। अब मरता डूबता क्या नहीं करता, अब आप देख लो, अब तो सबको जो चाहते हैं वो सब देंगे, मगर इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए। ये बातें हम लोगों ने ही उठाई हैं और अभी कैप्टन साहब ने कहा कि इनको करने तो दो, कार्रवाई तो मुकम्मल करें, पैसा देने वक्त हमको देना पड़ेगा, हम दे देंगे। एना ही नहीं, इस मुहिम मौके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू ते आप खिलाफ बोलन तो ना टले। कैप्टन ने सिद्धू की पहचान ते ही सवाल खड़े कर दिते। उन्हें तो बयान मैनू भी कहा, वो कौन होंगे बंदा रोकण नू, उन्हें कोई पछाने भी पंजाब च, ऐसा जो मर्जी करे। देखो ये गल्लां तुसीं उन्हें पुछो, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਗੌਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।